बच्चों सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। बच्चों वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द लेसन। ये लेसन बच्चों अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, वुमेन्स रोल इन नेशनल मोमेंट मानी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या थी महिलाओं की भूमिका। क्लियर है? जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि लेसन लिखा गया है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और बच्चों ये चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया था, प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 51। और पेज नंबर 51 के ऊपर बच्चों जो लास्ट पैराग्राफ है, दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्लियर है? इफ वी गॉट फ्रीडम विदाउट सेक्रीफाइस एंड सफरिंग। देखो बच्चों, इफ हमेशा क्या बताता है? इफ बच्चों हमेशा आपको ये बताता है कि जिस सेंटेंस में इफ का प्रयोग होता है, जरा ध्यान देना बोर्ड की तरफ, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन ए एल एस, कंडीशनल क्या होते हैं बच्चों? ऐसे वाक्य जिनमें कोई कंडीशन हो। अब प्रश्न ये कि कंडीशन क्या होती है? कंडीशन बच्चों, जैसे कई बार आप कहते हैं इस गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया है, इस गाड़ी की कंडीशन खराब है, तो कंडीशन माने होता दशा, कंडीशन माने होता हालत, हालात नहीं, हालत अलग होता, हालात अलग होता है। तो हालत तो बच्चों आप जानते हो, हालत होती है, कैसी हालत है, कैसी कंडीशन है, और हालात का मतलब तो यह है कि कैसे सर्कमस्टेंसेस हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, उन्हें हालात कहते हैं। बहरहाल एक कंडीशन का मतलब बच्चों ये भी है कि आपका मैं काम तो कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है, माने मेरी एक शर्त है। तो कंडीशनल का मतलब बच्चों यहाँ क्या होता है, जो शर्तियाँ वाक्य होते हैं, शर्त सूचक वाक्य जो होते हैं, आप उन्हें अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंसेस या कंडीशनल्स कहते हैं। क्लियर है? ऐसे सेंटेंस बच्चों इफ से शुरू होते हैं, कभी कभी अनले से भी होते हैं, क्योंकि इफ यानी होता यदि, और अनले से नहीं होता यदि नहीं। फर्क बस ये है कि यदि इफ का प्रयोग हो रहा है तो उस वाले तो उस बॉडी डेट क्लोज में नोट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन यदि अनलेस का प्रयोग हो रहा है तो सेंटेंस के जिस पार्ट में अनलेस का प्रयोग हुआ है उसमें नोट कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि नोट तो अनलेस में पहले ही छुपा हुआ है। क्लियर है? अब बच्चों जरा बोर्ड की तरफ देखना, इफ आई गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाऊंगा, आई विल सी द ताज महल। ओके बच्चों, तो ये ताज हो गया, ताज का मतलब ताज महल ही होता है। अब बच्चों समझना क्या आपको, ध्यान देना, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताज महल देखूंगा, ये सेंटेंस बच्चों आपको हमने दे दिया है। लेकिन बच्चों परीक्षा में आपको ये दिया जाएगा, इफ आई विल, क्या बोला मैंने, सॉरी विल मुझे यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, मुझे बच्चों विल यहाँ लगाना चाहिए था, कौन सी जगह, यहाँ देखो आप, इफ आई विल गो टू आगरा, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो क्या होगा, आई विल सी द ताज, यानी मैं ताजमहल देखूंगा। आगे बात समझ में? अब बच्चों होता यह है कि इसका अनुवाद तो यही होगा, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा, या यदि मैं आगरा जाता हूं तो मैं ताजमहल देखूंगा, या यदि मेरा आगरा जाना होता है तो मैं ताजमहल देखूंगा। लेकिन बच्चों ये जो सेंटेंस का पार्ट है ये किससे शुरू हो रहा है, ये बच्चों इफ से शुरू हो रहा है। इफ क्या है? इफ बच्चों एक एससी है, एससी का मतलब होता है यह एक सबोर्डिनेटिंग, सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है बच्चों ये एक सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब आप ये कहोगे कि साहब मुझे कैसे पता चला? अरे भाई मुझे ऐसे पता चला कि मुझे याद है इसलिए पता चला, और आपको भी पता चलेगा जब मैं आपको ट्रिक से चीजें याद करूंगा। तो बहरहाल जो बता रहा हूं वो इतना है, इफ एक सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और बच्चों सेंटेंस का वह पार्ट जो इफ से शुरू होता है या किसी भी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है उसे आप क्या कहते हो, उसे बच्चों आप सबोर्डिनेट क्लोज कहते हो। क्या कहते हो? देखो सबोर्डिनेट, यहां बच्चों मैंने आई एन जी नहीं जोड़ा है, इसे आप सबोर्डिनेट क्लोज कहते हो। और ये जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, आगे आए चाहे पीछे आए, इसे बच्चों आप क्या कहते हो जरा बताना, इसे आप मेन क्लोज कहते हो। क्लियर है? मुझे बच्चों ये समझाना है कि सेंटेंस के एससी माने सबोर्डिनेट क्लोज में
विल या शेल का प्रयोग हरगिज नहीं होता. डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने ये कहा बच्चों, इफ आई विल गो टू आगरा आई विल सी द ताज, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा. ये सेंटेंस गलत है क्योंकि मैंने इफ वाले पार्ट में विल का प्रयोग कर दिया है. मैंने कहा बच्चों, सेंटेंस यदि इफ से शुरू हो रहा है तो उस सेंटेंस के दो पार्ट होंगे. एक पार्ट तो वह होगा जो इफ से शुरू होगा, चाहे वो वाक्य के शुरू में हो या बाद में हो. जैसे इफ जैसे आई विल सी द ताज इफ आई गो टू आगरा, ये वाक्य यह भी हो सकता था, कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ में तो कान ही आएगा. तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि सेंटेंस का वह पार्ट जो इफ से शुरू होता है उसे आप हमेशा सुबोर्डिनेट क्लोज कहते हैं, क्योंकि इफ एक सुबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. दूसरी बात यह भी है कि यह वाक्य हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहलाता है, क्योंकि यह अपने अर्थ के लिए दूसरा जो वाक्य है अर्थात जो मेन क्लोज है उसके ऊपर ही अपने मीनिंग के लिए डिपेंड करता है, और अगर उसको नहीं बोला जाए तो ये अपने आप में अपना पूरा मीनिंग देने में असमर्थ होता है. इसलिए आप इसको आश्रित उपवाक्य या आप इसको सबॉर्डिनेट क्लोज कहते हो. क्लियर है? अब बच्चों जो मुद्दे की बात है वो सिर्फ इतनी है कि सेंटेंस का वह पार्ट जो इफ से शुरू होता है या किसी भी सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है उसे आप सबॉर्डिनेट क्लोज कहते हैं. एंड बच्चों ऑलवेज रिमेंबर दैट, और इस बात को सदैव स्मरण रखें कि वी विल और शेल मॉडल विल नेवर बी यूज्ड, और विल और शेल मॉडल कैन नेवर बी यूज्ड इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट बिगिंस विद द सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला वाक्य का जो पार्ट होता है उसमें विल शेल का प्रयोग कदापि नहीं होगा. क्लियर हो गई ये बात? यदि बच्चों आपकी बात समझ में आ गई है तो मैं इस नीचे वाले पार्ट को, इस हरे वाले पार्ट को मिटा देता हूँ. मिटा दिया है. एक बात बच्चों ये भी समझो कि आपको यह भी कहा जा सकता है कि साहब यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा. अब आप लोग क्या करते हो, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो बिल तो आना चाहिए, तो बिल लगा देते हो जो नहीं लगेगा. पहली बात तो ताजमहल देखूंगा तो इस तोके चक्कर में बच्चों आप ये लगा देते हो देन, ये भी गलत है. क्योंकि तो का अर्थ तो बच्चों कौन देगा, तो का अर्थ तो ये कोमा ही दे देगा. इस कोमा का मतलब ही तो होता है. इसलिए हमने ये कहा कि इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताज, ये सेंटेंस बिल्कुल शुद्ध है. लेकिन इफ आई गो टू आगरा देन आई विल सी द ताज, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत. बच्चों पहली बात समझ में आ गई है. दूसरी बात बच्चों ये होती है कि ध्यान देना, इफ आई, ये गो है बच्चों, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ये प्रेजेंट सिंपल आप ये भी समझ सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इफ वाला पार्ट प्रेजेंट सिंपल में होता है और जो दूसरा वाला पार्ट जिसे मैन क्लोज कहते हैं वह फ्यूचर सिंपल में होता है. लेकिन बच्चों यहाँ आई के साथ में विल का प्रयोग ज़्यादा सही होता है और शेल का प्रयोग जो है कम सही माना जाता है. क्योंकि जब आप एक बार एक शर्त रख देते हो कि साहब मैं फला काम करूंगा तो डी का करूंगा, तो इसका मतलब इस वाक्य में किसका भाव आ गया, अवश्य का भाव आ गया. अवश्य का मतलब होता है बच्चों वश, यानी जानते हो जिस वश तो वश होता है और जिस पर आपका वश नहीं चलता है वो अवश्य होता है. वश्य वह होता है जो आपको, जिसको आप वश में कर सकते हो, और अवश्य वह होता है जिसको आप वश में नहीं कर सकते हो. जैसे ये घोड़ा अवश्य हो गया है माने ये घोड़ा बेकाबू हो गया है, ये घोड़ा अवश्य हो गया है माने ये घोड़ा बेकाबू हो गया है. तो इसका मतलब ये है कि जो काम अवश्य होता है उसमें बच्चों हम क्या करते हैं, आई और बी के साथ में शेल का नहीं बल्कि विल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सबके साथ में हम विल का नहीं बल्कि शेल का प्रयोग करते हैं. दूसरी बात सुनो, इफ आई, यहाँ बच्चों मैंने इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी. आप जानते हो ये प्रेजेंट सिंपल था, ये पास्ट सिंपल हो गया है. इफ आई वेंट टू आगरा, यदि मैं आगरा जाता तो कोमा की जगह कोमा जाएगा आई. अब बच्चों जब गोका वेंट हो गया तो विल का क्या हो जाएगा, तो विल का वुड हो जाएगा, आई वुड सी द ताज. क्लियर है बच्चों? ये जो सी है इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये मॉडल है. एंड आप जानते हो बच्चों मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और मॉडल के बाद बच्चों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. चूंकि विल भी एक मॉडल है, वुड भी एक मॉडल है, इसलिए सी में कोई चेंज नहीं होगा, सी का सा नहीं करना है. ए भाई वेंट टू आगरा माने यदि मैं आगरा जाता आई वुड सी द ताज, तो मैं जरूर क्या देखता बच्चों, यदि मैं आगरा जाता तो मैं ताज देखता, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा, और यदि मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल देखता. बात समझ में आ गई है? कभी कभी बच्चों ये भी ऐसा भी होता है कि इफ
आई, ठीक है, और ब्रैकेट में दे दिया आपको बी द पीएम ऑफ इंडिया। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो आई वुड, ध्यान देना, आई वुड अबोलिश इनकम टैक्स। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या कर देता बच्चों, मैं जो है इनकम टैक्स को खत्म कर देता। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता, पीएम, क्लियर हो गया है? इफ आई द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता आई वुड अबोलिश इनकम टैक्स, तो मैं इनकम टैक्स खत्म कर देता। अब बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सेंटेंस के दूसरे पार्ट में आ रहा वुड, और वुड के साथ आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि ऐसा है तो यहाँ क्या आएगी बच्चों, सेकंड फॉर्म आएगी। और जानते हो जो बी वर्ब होती है ना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म तो इज एमआर होती है और सेकंड फॉर्म वाज वर होती है। अब बच्चों प्रश्न ये है कि वाज लगाएं कि वर लगाएं, तो बच्चों ये नियम है कि यदि बी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगाने की नौबत आ जाए तो कंडीशनल सेंटेंस में चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें सब्जंक्टिव मूड पाया जाता है, इसलिए ऐसे वाक्यों में बच्चों क्या होता है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या करोगे, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं इनकम टैक्स खत्म कर देता, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं इनकम टैक्स खत्म कर देता। ये वाक्य बच्चों कभी कभी यह भी आ जाता है, देखो ये वर आगे आ गया, ध्यान देना वर, ओके आई। अब बच्चों ये इफट गया, इस वर का मतलब हो गया काश होता, दोनों अर्थ बच्चों इसी के हैं, काश होता। इफ आई, देखो वर आई द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता आई वुड अबोलिश इनकम टैक्स। क्लियर हो गया, इफ आई वर द पीएम या वर आई द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड अबोलिश इनकम टैक्स। बच्चों आपने क्या देखा, आपने बच्चों ये जरूर देखा होगा कि मैंने सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं फुल स्टॉप का प्रयोग किया है, और आपने ये भी देखा होगा कि मैंने वर का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस किया है, लेकिन बच्चों मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये सेंटेंस बच्चों प्रश्नवाचक नहीं है, ये तो शर्तवाचक वाक्य है, यह तो शर्त यह वाक्य है। यहाँ वर का मतलब है काश होता, यानी काश आई यानी होता है मैं, काश में होता, क्या होता, द पीएम ऑफ इंडिया, काश में देश का पीएम होता, आई वुड अबोलिश इनकम टैक्स, तो मैं जरूर क्या कर देता, मैं इनकम टैक्स को खत्म कर देता। अब बच्चों क्या आपने इसको उतार लिया है, अगर नहीं उतारा तो मैं आपको उतार देगा, दे रहा हूं एक मिनट का टाइम, आप इसे उतार सकते। बच्चों अपना अपना हाथ चलाओ, अपनी कलम चलाओ जल्दी जल्दी, और बच्चों इस बात को समझो। ये बच्चों मैंने आपको बताई थी कंडीशन नंबर वन, ये है कंडीशन नंबर टू, और ये जो दोनों है ना बच्चों, ये कंडीशन नंबर टू के ही पार्ट हैं, इसलिए इन्हें आप कोई दूसरी कंडीशन नहीं कह सकते हैं। पहली कंडीशन हो गई बच्चों, इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताजमहल, यदि मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा। दूसरा सेंटेंस, इफ शी इनवाइट्स मी, यदि वह मुझको निमंत्रण देगी, आई विल अटेंड हर मैरिज, तो मैं उसकी शादी में जरूर पहुंचूंगा। उसी तरीके से बच्चों, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे, यू विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, तो तुम बहुत अच्छे अंकों से क्या करोगे, आने वाली परीक्षा को उत्तीर्ण करोगे। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों इसकी सेकंड कंडीशन बना रहा हूं, एक बुकी जगह कर दिया, इफ आई वेंट टू आगरा, यदि मैं आगरा जाता, आई वुड सी द ताज, तो बच्चों में क्या देखता, मैं ताजमहल देखता। और ये जो दोनों पार्ट हैं बच्चों, इसी के रूप हैं। अब मैं आगे अपनी बात को लेता हूँ, तीसरी कंडीशन क्लियर करता हूँ आपको। कभी कभी ऐसा भी होता बच्चों कि यदि मैं आगरा जा चुका होता तो मैं ताजमहल देख चुका होता, तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान देना। देखो, इफ आई,
यहाँ लगाओ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ आई हैड गॉन टू आगरा, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव, यहाँ करो बच्चों वुड हैव, अब थर्ड फॉर्म लगाओ आई वुड हैव सीन द ताज महल, ठीक है। इफ आई हैड गॉन टू आगरा, यदि मैं आगरा जा चुका होता तो आई वुड हैव सीन द ताज महल, तो मैं ताजमहल देख चुका होता। ये बच्चों तीसरी कंडीशन है। इसमें भी ये होता है कि इस हेड को कई बार हम आगे ले आते हैं, इफ को हटा देते हैं, जैसे बच्चों मैं कर रहा हूं हेड आई गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताज, क्लियर हो गया। हेड आई गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताज, यदि मैं आगरा जा चुका होता तो मैं ताजमहल देख चुका होता। तो बच्चों आपने क्या देखा, आपने ये देखा बच्चों कि पहले वाली जो कंडीशन थी उसमें आपने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया इफ वाले पार्ट में, और बाद वाले पार्ट में आपने फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया। ये यूं कह सकते हैं कि आपने पहले वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया और आगे आपने विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। फिर बच्चों आपने प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल दिया, यानी फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकेंड फॉर्म कर दी, तो उधर विल का वुड कर दिया। और बच्चों तीसरे वाले पार्ट में आपने देखा कि आपने पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया, माने हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई इफ वाले पार्ट में, तो बाद वाले पार्ट में आपने वुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, क्लियर है। जैसे बच्चों में एक दूसरा वाक्य बोलता हूँ जो लिखना नहीं है, क्यों सुनना है। इफ यू प्ले वेल, यदि तुम अच्छे से खेलते हो या खेलोगे, यू विल विन द मैच, तो तुम मैच को जीत जाओगे। इफ यू प्ले की जगह कर दो प्लेड वेल, अगर तुमने अच्छे से खेला होता यू वुड विन द मैच, तो तुम मैच को जीत जाते। इफ यू हैड प्लेड वेल, यदि तुमने अच्छे से खेला होता तो यू वुड हैव प्लेड द मैच, तो तुम क्या हो जाते, तो तुम मैच को जीत जाते। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, अपने टेक्स्ट बुक को आप खोलो। इफ वी गेट फ्रीडम, देखो बच्चों इफ के बाद में क्या आ रहा है, वी और आगे आ रहा है गेट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आगे पक्का भी लाएगा, देख लेना। इफ वी गेट फ्रीडम, यदि हम आजादी प्राप्त करते हैं विदाउट सेक्रीफाइस, बिना बलिदान के एंड सफरिंग, और बिना कष्ट उठाए, तो इट विल, देखो बच्चों विल आ गया और आइए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, विल आ गया और आगे बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है बच्चों। आप पूरा विल बी को सहायक क्रिया मत समझो, या सहायक क्रिया विल है और बी यहां मेन वर्ब है, क्लियर है। इफ वी गेट फ्रीडम विदाउट सेक्रीफाइस एंड सफरिंग, यदि हम बिना बलिदान, यदि हम बिना कुर्बानी एंड सफरिंग, और बिना तकलीफ या बिना परेशानी उठाए, बिना कष्ट उठाए, अगर हम आजादी या स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेंगे, इट विल बी ऑफ नो वेल, इट विल बी ऑफ नो बेनिफिट, इट विल बी ऑफ नो यूज, ये हमारे किसी काम की नहीं होगी। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि यदि आप किसी वस्तु को बिना मेहनत के प्राप्त कर लेते हैं, तो इस प्रकार की सफलता आपके पास में ज्यादा समय तक टिकती नहीं है।
आजादी क्या करती है बच्चों? फ्रीडम कॉल्स फॉर सेक्रीफाइस, फ्रीडम कॉल्स फॉर सेक्रीफाइस, आजादी कुर्बानी मांगती है। यदि बिना कुर्बानी दिए भी आप आजादी प्राप्त कर भी लेते हो, जैसे यदि किसी परीक्षा को आप बिना मेहनत किए टिप टाप के पास कर भी लेते हो, तो उस डिग्री का लेके क्या कीजिएगा? जबकि आपको वो हुनर ही नहीं आता, वो कला ही आपके पास नहीं, वो विद्या ही आपके पास नहीं है, मैं जो प्रमाण पत्र लेकर के उसका आप क्या करेंगे बताइएगा? वो प्रमाण पत्र आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आप उसको कहीं अप्लाई करोगे, यूज करोगे, तो वो यूज करने का जो अपेक्षित टैलेंट है, जो एक्सपेक्टेड टैलेंट है, वो तो आपके अंदर है ही नहीं। इसलिए बताया गया है कि इफ यू गेट फ्रीडम, यदि हमको आजादी मिल भी जाती है विदाउट सेक्रीफाइस एंड सफरिंग, यदि बिना कुर्बानी और बिना तकलीफ उठाए यदि हमको आजादी प्राप्त हो भी जाती है, तो क्या होगा? इट विल बी ऑफ नो अवेल टू अस, इट विल बी ऑफ नो अवेल टू अस, ये हमारे लिए किसी प्रकार की अवेल या किसी प्रकार के फायदे का सौदा नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि वी विल नॉट बी एबल टू प्रिजर्व द फ्रीडम विच इज गेन्ड सो इजीली। क्योंकि बच्चों ये होगा कि आजादी तो हमको मिल जाएगी, बट इफ वी अचीव द फ्रीडम विदाउट एफर्ट्स, लेकिन बिना कोशिशों के यदि आजादी हमको प्राप्त हो गई तो आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन जैसे आए अंग्रेज इन्होंने हमको गुलाम बनाया। इससे पहले जो है ये देश बच्चों, इसके ऊपर आपको पता है जी, ये सोने की चिड़िया कहलाता था, और यहाँ तो लुटेरे बाहर से आते ही रहे। आपको पता है जी, मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद गजनी आया, गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक आया, और आकर के बच्चों गुलाम वंश की स्थापना कर दी, और हम हो गए गुलामों के गुलाम, हम दासों के दास हो गए। और बच्चों जब गुलाम वंश का अस्तित्व खत्म हो गया, तो फिर उधर से खिलजी वंश उठ के आ गया, खिलजी, समझ गए? तो खिलजियों ने क्या किया, उन्होंने भी हमको गुलाम बना के रखा। अलाउद्दीन खिलजी के किस्से तो आप सुनते ही हो, पद्मावत मूवी के बारे में आपने सुनाई है। और बच्चों उसके बाद में लोधी आ गया, लोधी आ गया, तो लोधी आ गई, तुगलक आ गए, है ना, और बच्चों सैयद आ गए, मुगल आ गए, कईयों के गुलाम हम रहे, जमींदारों के गुलाम हम रहे। और उसके बाद में आपको पता है ये गोरे ये फिरंगी आ गए, इन्होंने हमको अपना गुलाम बनाया। अब बात ये नहीं है कि हम इन लोगों की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, बात यह है कि क्या हम उस आजादी को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएंगे। इफ यू अचीव द फ्रीडम विदाउट एफर्ट्स, विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट सफरिंग, यदि आप बिना कोशिशों, बिना कुर्बानी और बिना तकलीफों को झेले यदि हमको आजादी हासिल हो भी जाती है, तो वी वॉन्ट बी एबल टू मेंटेन दैट फॉर लॉन्ग टाइम, अधिक लंबे समय तक हम उस आजादी को बरकरार नहीं रख सकेंगे, अधिक लंबे समय तक हम उस आजादी को कायम नहीं रख सकेंगे। बिकॉज द फ्रीडम वॉज अचीव्ड बाई अस सो इजीली, क्योंकि वो आजादी हमारे द्वारा बहुत आसानी से हासिल कर ली गई थी। ध्यान दो बच्चों, जो चीज आसानी से हासिल हो जाती है उसका इंपॉर्टेंस या उसकी वैल्यू हमारी नजरों में कम हो जाती है, एंड वी बिगिन टू निग्लेक्ट इट, वी बिगिन टू इग्नोर इट, हम इसको नकारना, हम इसको उपेक्षित करना, हम इसको नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं, और फलतः ही हमारे हाथों से फिर निकल जाती है। इसीलिए तो कहते हैं बच्चों, घर की मुर्गी दाल बराबर, या यूं भी कहते हैं जी साहब, वो कहते हैं कि है ना, एक तो घर की मुर्गी दाल बराबर, और एक ऐसा एक मोहरा और है कि आण गाँव का सिद्ध, घर का जोगी जोगणा और आण गाँव का सिद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आपको बहुत आसानी से प्राप्त है उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में नहीं होती है। पानी आपको कितना आसानी से प्राप्त हो जाता है, पानी की महत्ता आपको पता नहीं, इसलिए आप पानी दौड़ते फिरते हैं, लेकिन यदि 10 दिन के लिए लगातार तुम्हें पानी मिलना बंद हो जाए तो तुम्हें पता चल जाए कि पानी की जीवन में महत्ता क्या है, और आप एक एक कतरे को जो है बचाना शुरू कर दें, कतरे 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 के लिए आप क्या हो जाएं, आप बेहद सतर्क हो जाएं। तो बच्चों ये बताया गया कि यदि आज़ादी हमको आसानी से मिल भी गई तो हम क्या करेंगे,
which is gained so easily, जो बहुत आसानी से हमको हासिल हो गई है, हम उस आजादी को बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व या मेंटेन नहीं कर सकेंगे. We shall therefore get our freedom only through our suffering. इसलिए हमें अपनी आजादी हासिल करनी है हमारी तकलीफों के जरिए, हमारे कष्टों के जरिए. हम आजादी को हासिल करने के लिए सरल मार्ग नहीं अपनाएंगे, हम खून खराबे का रास्ता अपनाएंगे. हम जो है हम क्या करेंगे, खून खराबे का रास्ता से मेरा मतलब है हम जंग का रास्ता अख्तियार करेंगे. क्योंकि यदि हमने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अंग्रेजों से आजादी ले भी ली, तो इस प्रकार की जो भीख में मिली हुई आजादी है वो कब तक हमारा साथ निभाएगी? वो तो बालू की भेंट की तरह होंगी, वो तो बालू की दीवार की तरह होंगी, जो कुछ समय के पश्चात में पुनः ढह जाएंगी. इसलिए हमने यह तय किया है, दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड इट वेरी फर्मली. इसलिए बड़ी दृढ़ता के साथ में हमने यह तय कर लिया है दैट वी आर गोइंग टू अचीव द फ्रीडम नॉट थ्रू द इजी मेथड. हम आजादी को हासिल तो करेंगे लेकिन आसान रास्ते के माध्यम से नहीं, लेकिन हम अग्निपथ पर आगे बढ़ेंगे. तून रुकेगा कभी, तून झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ. हम अग्निपथ के अग्निपथ पर बढ़ेंगे और कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, हम सबका क्या करेंगे, हम सबका सामना करेंगे. और आजादी जो हमारा हक है, स्वराज्य दैट इज अवर राइट, दैट इज अवर बर्थ राइट. स्वराज्य जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वी विल हैव इट, अर्थात हम इसको जरूर प्राप्त करके रहेंगे. वी शैल देयरफॉर गेट अवर फ्रीडम, इसलिए हम अपनी आजादी को प्राप्त करेंगे ओनली थ्रू, ओनली बाय अवर सफरिंग, यानी सिर्फ हमारे कष्टों के जरिए, हमारी मुसीबतों के माध्यम से. आई फर्मली बिलीव दैट, मेरा यह दृढ़ विश्वास है, या मैं यह दृढ़तापूर्वक विश्वास करता हूं, मैं दृढ़तापूर्वक विश्वास करता हूं कि वी कैन गिव एडेक्युएट सपोर्ट, वी कैन गिव एनफ सपोर्ट, यानी हम दे सकते हैं पर्याप्त समर्थन, हम पर्याप्त समर्थन दे सकते हैं टू आवर मदरलैंड. मेरा यह दृढ़ मत है कि हम अपनी मातृभूमि को, हम अपने मातृवतन को पर्याप्त समर्थन दे सकते हैं बाय अवर टोटल मोबिलाइजेशन, बाय अवर टोटल मोबिलाइजेशन, यानी हमारी पूर्ण लामबंदी के द्वारा, हमारी पूर्ण लामबंदी के द्वारा मोबिलाइजेशन. बच्चों मोबाइल शब्द तो आपने सुना है, देखो किताब में लिखा हुआ है मोबिलाइजेशन. ये जो मोबिलाइजेशन है बच्चों, इसका मतलब होता है लामबंदी. अब बच्चों प्रश्न ये है कि लामबंदी क्या है? देखो बच्चों, लाम का मतलब युद्ध होता है, लाम जंग को कहते हैं. जैसे सैनिक की शादी हुई और शादी होते ही बच्चों इधर तो शादी खत्म भी खत्म होकर के दुल्हन घर भी नहीं आई. वो एक कवि है, मुझे ठीक से उनका नाम याद नहीं आ रहा है, पंवार है वो, पंवार. तो वो जो कवि हैं वो क्या करते हैं, अपनी कविता सुनाते हैं जिसमें वो यही तो कहते हैं कि फौजी जो है क्या करता है कि अभी तो अपनी उसकी पत्नी जो उसके हाथों की मेहंदी वगैरह सूखी नहीं थी और वो कहाँ चला गया, वो लाम पर चला गया, वो युद्ध काम पर चला गया. तो लाम पर चला गया, युद्ध काम पर चला गया. तो लाम का मतलब बच्चों बॉर्डर के ऊपर जो जंग होती है ना हमारे देश की और पाकिस्तान के तथा अन्य ये जो दूसरे देश हैं इनके मध्य जो हमारी जंग झड़पें होती रहती है उसे लाम कहते हैं. क्लियर हो गया है? तो हमारी पूर्ण लामबंदी के द्वारा यदि हम सब लामबंद हो जाएं, लामबंद का मतलब होता है यदि हम सब जो है जंग के लिए तैयार हो जाएं, यदि हम सब युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, तो अपनी पूर्ण लामबंदी के द्वारा हम अपनी मातृभूमि का पर्याप्त समर्थन कर सकते हैं. ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, ऐसी मेरी दृढ़ मान्यता है. देयरफॉर सिस्टर्स, इसलिए मेरी प्यारी भगिनियों, यू टू मस्ट टेक योर शेयर इन द कमिंग स्ट्रगल. इसलिए मेरी बहनों, द स्ट्रगल दैट वी आर गोइंग टू फेस वेरी सोन, अर्थात वह संघर्ष जिसका सामना हम अतिशीघ्र करने जा रहे हैं, उसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है. शेक्सपियर कहता है बच्चों कि संसार जो है रंगमंच की तरह है. दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट दिस इज जस्ट लाइक ए पोडियम और अ स्टेज. ये दुनिया एक रंगमंच है एंड वी ऑल आर एक्टर्स, और हम सब अभिनेता हैं, हम अपना अपना किरदार निभाते हैं. जैसे बच्चों ये एक सपने के जैसा ही है कि आप लोग बच्चों सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप अच्छे विद्यार्थियों का किरदार निभा रहे हैं. मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, आपको संबोधित कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ एक अध्यापक की का किरदार जो है वो निभा रहा हूँ, निभाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो सबके अपने अपने किरदार हैं. मुझे अपना किरदार अच्छे से निभाना चाहिए, आपको अपना किरदार अच्छे से निभाना चाहिए, पर वक्त से पहले बड़ा होने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए.
चूंकि आपकी उम्र अभी विद्यार्थी की है तो आपका वही कर्म है, वही कर्तव्य है, वही आपकी इबादत है, वही आपकी पूजा है। आपको अपना कर्म पूरी ईमानदारी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए और मुझे भी अपना कर्म पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। क्लियर हो गया है? तो यही बताया गया है बच्चों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी बहनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बहनों, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट दैट यू टू टेक शेयर, यू टू प्ले योर पार्ट। तुमको भी अपना किरदार निभाना होगा इन द कमिंग स्ट्रगल, आने वाले उस संघर्ष में, आने वाले उस जंग में, जो है तुमको भी अपनी भूमिका निभानी होगी। जैसे हमारे भाई जब युद्ध करते करते घायल हो जाएंगे, तो आप में से कई जो है नर्सिंग का कोर्स की हुई हैं, तो आप अच्छी नर्सिंग की तरह, अच्छी नर्सों की तरह आप जाएंगी, उनको मेडिकल फैसिलिटीज देंगी, जो घायल होंगे उनको पानी पिलाएंगी, उनकी सेवा और शुश्रूषा, उनकी मरहम पट्टी करेंगी। इस प्रकार का काम आप कर सकती हैं। कहने का मतलब, जो काम आप कर सकती हैं वही आपकी ड्यूटी है और ड्यूटी को आपको ब्यूटीफुली माने बड़ी सुंदरतापूर्वक निष्पादित करना होगा। देयरफॉर सिस्टर्स, इसलिए बहनों, यू टू मस्ट टेक केयर, यू टू मस्ट टेक योर शेयर, यानी यू टू मस्ट प्ले योर पार्ट। आपको भी अपना किरदार निभाना होगा इन द कमिंग स्ट्रगल, आने वाले स्ट्रगल में। यू कैन सर्व इन वेरियस कैपेसिटीज, यू कैन सर्व इन वेरियस टाइप्स, यानी कई प्रकार से आप क्या कर सकती है, कई क्षमताओं के अंदर जो है आप सेवा कर सकती हैं। यदि आप तलवार नहीं चला सकती हैं, अगर आप बंदूक नहीं चला सकती हैं, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो तो तुम्हारे भाई चला देंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकती हैं। यू कैन सर्व इन वेरियस कैपेसिटीज, आप विभिन्न क्षमताओं के अंदर अपने देश बंधुओं की सेवा कर सकती हैं। विमेन हैव स्पेशल स्किल इन सम स्पेसिफिक फील्ड्स। देखो बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस बात को स्वीकार करते हैं कि महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर कुछ खास गुण होते हैं। इन सम स्पेसिफिक फील्ड्स का मतलब होता है कुछ क्षेत्र विशेष ऐसे हैं जिनमें जो महिलाएं होती हैं उनको भगवान क्या करता है, कुछ खास कौशल देकर के भेजता है। विमेन हैव स्पेशल स्किल, यानी महिलाओं के अंदर कुछ खास या महिलाओं में कुछ विशेष कौशल होते हैं। इन सम स्पेसिफिक फील्ड्स, यानी कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में निभाने के लिए महिलाओं के पास में कुछ खास कौशल होते हैं, कुछ खास हुनर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू कैन सर्व इन द हॉस्पिटल्स। उदाहरण के लिए, महिलाएं बहुत अच्छी नर्सें होती हैं। अगर आप पुरुषों को भी नर्स बना दो, महिलाओं को भी बना दो, तो महिलाएं जो है वो इस काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकती हैं। यदि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आप मुझे भी नियुक्त कर दो और एक किसी महिला को भी नियुक्त कर दो जो पहली या दूसरी तीसरी के बच्चों को पढ़ाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ा पाएंगी। मैं अगर उनसे ज़्यादा भी जानता हूँ तो भी मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना अच्छा वो पढ़ाएंगी, क्योंकि उनके पास प्यार होता है, उनके पास मातृत्व होता है, उनके पास ममता होती है, स्नेह होता है। इसीलिए तो बच्चों जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में लिखा है कि दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रतन निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। दया उसके मन में है, माया उसके मन में है। माया का मतलब बच्चों आकर्षण। ममता उनके मन में है, माने मातृत्व, मदरहुड। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। स्त्री के हृदय में बच्चों मधुरिमा होती है, उनके हृदय में अगाध विश्वास होता है, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ। वो कहती है कि हमारा दिल जो है एक स्वच्छ रत्नों के खजाने की तरह है, जिसमें दया है, माया है, ममता है, न जाने कौन कौन से अमूल्य रत्न उसके अंदर पड़े हैं, और तुम्हारे लिए खुला है पास। ये दिल का खजाना तुम्हारे लिए बिल्कुल तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है। ये बच्चों कामायनी के अंदर जो श्रद्धा नाम की पात्र है वो मनु को कहती है कि मेरा दिल तुम्हारे सामने खुला पड़ा है, और इस दिल को दिल मत समझ लेना, इस कागज के टुकड़े को दिल समझ लेना, नहीं, इस दिल को दिल मत समझ लेना, बल्कि इस दिल को, ये दिल क्या है, ये तो बच्चों रत्नों का खजाना है, और ये तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है। तो यह बताया गया है कि जो नर्सों की, फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए, मसलन, यू कैन सर्व इन द हॉस्पिटल्स, अर्थात आप अस्पतालों में सेवा कर सकती हैं। यानी भगवान महिलाओं को कुछ खास क्षेत्रों में कुछ खास हुनर देकर के भेजता है। मसलन आप अस्पतालों में सेवा कर सकती हैं। उदाहरण के लिए आप अस्पतालों में सेवा कर सकती हैं व्हेन आवर मिलिट्री कैंपेन्स, जब हमारे सैन्य अभियान हैव स्टार्टेड, व्हेन आवर मिलिट्री कैंपेन्स विल हैव स्टार्टेड, अर्थात जब हमारे सैनिक अभियान शुरू हो जाएंगे, हु विल टेक केयर ऑफ अ
और वाउंडेड सोल्जर्स, तब हमारे जख्मी सैनिकों की देखभाल कौन करेगा? ये बताइए कि जब हमारा अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, तो बच्चों आप देखो कि रावण और राम की जो अंतिम लड़ाई होगी, रावण से मेरा मतलब बच्चों ये गोरे फिरंगी हैं और राम से मेरा मतलब भारत के सपूत हैं। तो जब रावण और राम के बीच में अंतिम चरण में युद्ध होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युद्ध होगा, तो बच्चों बताओ एक तरफ राक्षस होंगे गोरे राक्षस, एक तरफ नर और वानर होंगे हम भारतीय लोग। तो मुझे ये बताइए इस प्रतीकात्मक युद्ध में जब हमारे सैनिक घायल हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध में तो घायल भी होते हैं, देन हु विल टेक केयर ऑफ देम? उनके मरहम पट्टी कौन करेगा, उनके मालिश कौन करेगा, उनके ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट का मतलब मलहम, मलहम वगैरह कौन लगाएगा? तो मलहम कौन लगाएगा, हमारे नर्सें लगाएंगे और कौन लगाएंगी? तो वेन अवर मिलिट्री कैंपेन्स हैव स्टार्टेड, अर्थात जब हमारे सैन्य अभियान शुरू हो जाएंगे, हु विल टेक केयर ऑफ अवर वाउंडेड सोल्जर्स, हमारे जख्मी सैनिक, हमारे जो घायल सिपाही हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? Will it not be shameful if our sisters do not come forward to comfort our wounded soldiers? Will it not be shameful, अर्थात will it not be shameful, अर्थात क्या यह शर्मनाक नहीं होगा, that our sisters do not come forward, कि हमारी बहनें आगे नहीं आएंगी, to look after our wounded soldiers, यानी हमारे घायल सैनिकों या हमारे घायल जो अपने घायल भाइयों की देखभाल करने के लिए। वो राखी वाली बात है कि भाई क्या करता है जी, बहन से राखी बंधवाता है और ये वादा करता है कि हर तकलीफ में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो जब आपका भाई घायल होकर के पड़ा होगा, तो बहन कैसे जो है, बहन कैसे सहन कर सकती है, वो चुपचाप कैसे बैठ सकती है? क्या ये बहुत लज्जाजनक, क्या ये बहुत ही शर्मनाक बात नहीं होगी कि जब हमारे देश की सरहद के ऊपर हमारे सैनिक भाई जब आहत होकर के घायल होकर के पड़े होंगे और हमारी बहन उनकी सेवा शुश्रूषा अर्थात उनकी देखभाल करने के लिए आइए नहीं आएंगी, अपने आप को प्रस्तावित नहीं करेंगी, तो क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? Will it not be shameful? क्या ये शर्मनाक नहीं होगा? If our sisters do not come forward to comfort our wounded soldiers, यदि हमारी बहनें अपने घायल भाइयों की देखभाल करने के लिए आइए नहीं आती। Sisters, बहनों, this is only a part of your duty, अर्थात ये सिर्फ आपकी ड्यूटी का एक पार्ट है, ये आपके कर्तव्य का सिर्फ एक भाग है। केवल इसका मतलब ये नहीं है कि आप नर्सिंग करेंगी, सुई लगाएंगे, मलम पट्टी करेंगे, नहीं नहीं, आप और भी बहुत सारे काम करने में सर्वथा समर्थ। यू कैन ऑल्सो हेल्प अस, आप हमारी सहायता कर सकते हैं इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स, आप सैनिकों की भर्ती में, रंग रूटों की भर्ती में आप हमारी सहायता कर सकती हैं, एंड कलेक्शन ऑफ फंड्स एंड सप्लाईज, और चंदा इकट्ठा करने में और रसद सामग्री बेड़ी करने में आप हमारी मदद कर सकती हैं। बहुत सारे काम है, बहुत सारे किरदार हैं जो आप निभा सकती हैं। समटाइम्स यू मे इवन हैव टू टेक अप आर्म्स, समटाइम्स यू मे इवन हैव टू टेक अप आर्म्स, अर्थात कभी कभी आपको क्या करना पड़ सकता है बच्चों, कभी कभी आपको अस्त्रों का संचालन भी करना पड़ सकता है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जैसे रानी दुर्गावती ने किया था। तो इस प्रकार से बच्चों क्या है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो अस्त्र हैं उनका संचालन भी करना पड़ सकता है। टू दोज हु से दैट, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ, आई एम एड्रेसिंग दोज, मैं उन लोगों को संबोधित कर रहा हूँ ऑलवेज से दैट, जो हमेशा ये कहते फिरते हैं क्या, It will not be proper for our women to carry guns. वे लोग तो अक्सर ये कहते फिरते हैं कि ये मुनासिब नहीं होगा हमारी औरतों के लिए कि वो अपने हाथों में क्या उठाएं, संजीने उठाएं, संजीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, संजीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, ये मेरे वतन के लोगों तुम जरा आंख में भर लो पानी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी औरतें, कुछ लोग जो ये कहते फिरते हैं कि हमारी औरतों को संजीने उठाना मुनासिब नहीं होगा, मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, माय ओनली रिक्वेस्ट इज दैट, ऐसे कमबख्तों से, ऐसे नामुरादों से मेरी ये गुजारिश है कि दे लुक इन टू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, वो इतिहास के पन्नों में झांके, वो इतिहास के पन्नों में झांके। इतिहास गवाह है कि भारत की बेटियां तो सदैव इस कहावत को चरितार्थ करती आई है कि हम भारत की नारियां हैं, फूल नहीं चिंगारियां हैं। वो इतिहास के पन्नों में झांक करके देखें तो उनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक चमकता हुआ उदाहरण, एक चमकती हुई नजीर उनको इतिहास के पन्नों में, एक चमकती हुई, एक दमकती हुई नजीर मिलेंगी। जो महारानी दुर्गावती हैं उनका उदाहरण भी कम मान्य नहीं रखता है, और न जाने ऐसे कितने सैकड़ों उदाहरण हैं जो जिनसे कि हमारा इतिहास भरा पड़ा है। व्हाट ब्रेव डीड्स द रानी ऑफ झांसी परफॉर्म्ड, व्हाट ब्रेव डीड्स द रानी ऑफ झांसी परफॉर्म्ड, यानी झांसी की रानी ने किस प्रकार के वीरतापूर्ण कार्य किए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857,
सन 1857 के पहले स्वतंत्र समर के दौरान, सन 1857 के पहले स्वतंत्र समर के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार के वीरतापूर्ण कार्य किए थे। सिमिलरली मेनी ब्रेव विमेन लाइक द रानी ऑफ झांसी आर रिक्वायर्ड। उसी प्रकार से यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह उसी प्रकार की जो है अनेक वीरांगनाओं की हमको दरकार है। इन अवर लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आल्सो, अर्थात ये जो हमारी आजादी की अंतिम लड़ाई है, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, तो बच्चों ये जो अंतिम लड़ाई है, इस अंतिम लड़ाई के अंदर भी हमको कई झांसी की रानियों की दरकार है, हमको कई झांसी की रानियों की दरकार है। और वो झांसी की रानियां जो है कहीं बाहर से नहीं आएंगी, वो इस देश की मिट्टी से ही व्युत्पन्न होने वाली हैं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी गन्स यू कैन कैरी, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी बंदूकें आप अपने कंधों के ऊपर लेकर के जा सकती हैं, और हाउ मेनी कार्ट्रिजेज यू कैन फायर, और ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि कितनी कारतूसें आप एक साथ दाग सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपके सीने के अंदर हौसला कितना है। दुष्यंत कहता नहीं है कि आपने ये गजल में हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।